अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। व्यूअर्स, गर्मियों का मौसम है और उसमें सिर्फ ठंडी ठंडी ड्रिंक पीने का दिल करता है, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम का पन्ना यानी कच्चे कैरी का ये शरबत है और ये बहुत ही डिलीशियस बनता है व्यूअर्स, और हमारी बॉडी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो व्यूअर्स, आप इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हमें लू लगने से भी बचाता है व्यूअर्स। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको इसकी रेसिपी बआसानी समझ आ सके। तो चले व्यूअर्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैंने तीन बड़े साइज़ की कैरी ली है और बिल्कुल ये कच्ची कैरी है, तो इसे मैं बहुत ही आसानी के साथ छील लूँगी। इसे मैंने वॉश कर लिया है और ड्राई भी कर लिया है, तो ये तकरीबन हाफ के जी कैरी है। तो चलें व्यूअर्स, इसे अब मैं छील लूँगी। व्यूअर्स, इसे मैं बहुत आसानी से इस तरह से इसको छील लूँगी, और इसे आप पीलर की मदद से भी छील सकते हैं। मैं इसे छुरी से छील रही हूँ, तो ये बहुत आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे। कैरियों को छीलने के बाद मैं इसे इस तरह मोटा मोटा सा काट लूँगी और इसके अंदर जो बीज है वो मैं आसानी से निकाल लूँगी। ये देखें, ये इस तरह बहुत आसानी के साथ निकल जाती हैं, तो इसे बस हमने इस तरह मोटा मोटा सा स्लाइस काट लेना है इसका। जी व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पर सारी कैरियों को इस तरह स्लाइस की तरह काट लिया है, तो अब मैं इसे पकाऊंगी। तो आपने अगर कैरी गुठलियों वाली लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बगैर गुठलियों वाली कैरी ली थी जिसके सिर्फ इस तरह से बीज होते हैं, तो वो मैंने अलग कर लिए थे, और मैं अब इसको इस तरह से काट के और इसे अब हम पकाएंगे। अब एक कढ़ाई में व्यूअर्स मैं ये कटी हुई कैरियाँ ऐड करूँगी। एक कप इसके अंदर भर कर शुगर जाएगी यानी चीनी, और फिर इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी ऐड कर दूँगी। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी मैं नमक, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट्स से 20 मिनट्स तक इसे हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से ये कैरी हमारी जो है वो गल जाए। तो मिलते हैं व्यूअर्स हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स हो चुके हैं, और ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ये कैरी जो है वो गल गई है, और पानी भी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। ये जो आपको ये गाढ़ा गाढ़ा सा ये लिक्विड नज़र आ रहा है, ये जो हमने इसमें चीनी डाली थी, ये उसका गाढ़ा सा ये शीरा बनकर तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स, अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आता है व्यूअर्स, तो हम इसका वेट करते हैं, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये अब रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है कैरी, तो अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। इसे मैं बहुत आसानी के साथ इसमें शिफ्ट करूँगी ग्राइंडर के जग में, और इसे हम अच्छी तरह से एक अच्छी सी इसकी प्यूरी बना लें। तो व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसकी प्यूरी बना ली है और एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। हमें इसी तरह से ये पेस्ट चाहिए। अब इस स्टेज पर आप इसे बनाकर फ्रिज में काफ़ी अरसे तक, तकरीबन 1 महीना सेव कर सकते हैं व्यूअर्स, और इसके अलावा आप इसे इसी तरह से इसका ठंडा ठंडा जूस बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे स्लैश के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, तो बस आप इसी में बर्फ़ ऐड कीजिए और इसे ब्लेंड कर दीजिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सारा पल्प निकाल कर ब्लेंडर से उसी बर्तन में डाल दिया है जिसमें मैंने इसे पकाया था। आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ है। तो और इसके अलावा जो बाकी मैंने थोड़ा सा पल्प मैंने इस बॉटल के अंदर सेव किया है, और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। आप व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम जिस तरह जूसेस सर्व करते हैं अपने गेस्ट को, मैंने यहाँ पर एक प्लेट में थोड़ी सी ये चीनी ली है, और सिंपल बस हमने ये गिलास लेकर इसे इस तरह से कोट करना है, और ये चीनी इस गिलास के किनारों पे इस तरह लग जाएगी, और अगर जब आप अपने ये जूसेस को सर्व करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले जो है एक जग में आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ आइस क्यूब्स रखे थे निकाल कर, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जब आप
अपने गेस्ट को या अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा तो इसी तरह सर्व कीजिएगा। ये गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार लगता है व्यूअर्स, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, और गर्मियों के मौसम में इसे हर किसी को बनाकर पीना चाहिए। तो आइस को जग में ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ पल्प ऐड करूँगी। पल्प ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर यहाँ पर काला नमक ऐड करूँगी। काला नमक इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और काला नमक हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है व्यूअर्स। सो काला नमक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद व्यूअर्स हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि ये पल्प अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए और सारा कैरी का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा व्यूअर्स। आप चाहें तो आप इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो आप इसे ब्लेंडर में, जब हमने पल्प को ग्राइंड किया था तभी आप उसके साथ पानी डालकर भी इसे उसी वक्त बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं इसे सर्व करूँगी ग्लास में। जी व्यूअर्स, तो ग्लास में सर्विंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ आइस क्यूब्स ऐड करूँगी, क्योंकि ये ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद जो हमने कैरी का यहाँ पर शरबत बना कर रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये बहुत ही डिलीशियस बना है व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, तो कैरी का ठंडा ठंडा शरबत, इसे आम पन्ना भी कहते हैं, तो ये बहुत ही डिलीशियस बना है और ये बहुत फ़ायदेमंद है व्यूअर्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।